साधकों को हमारा नमस्कार। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि सत्य है अपनी जगह, उसे हम बदल नहीं सकते और न ही हमारे बुद्धि से हम उसे जान सकते हैं। ये बुद्धि से परे जो सत्य है वो परम चैतन्य के रूप से चारों तरफ कार्यान्वित है, कार्य करता है। ऐसी बात तो अनेकों ने कही और आपने भी सुनी है, लेकिन आज तक किसी को प्रचीति नहीं आई, उसका बोध नहीं हुआ, किसी ने उसे महसूस नहीं किया। उसका कारण एक था कि उसे जानने के लिए अपने नसों पर हमें एक सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, और वो सूक्ष्म स्थिति है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में हर एक धर्म संस्थापक ने, अवतरणों ने और बड़े बड़े दृष्टा और सद्गुरुओं ने बातचीत की और हमसे कहा कि आप आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त हो। लेकिन कैसे हो, क्या करें, इसके मामले में बहुत धीरे धीरे ये गुप्त बात कही गई, क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई सी भी आधी अधूरी बात लेकर के लोग उसको पैसा बनाने का एक साधन बना लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा जनक के जमाने में नचिकेता नाम के एक बहुत शंका से भरे हुए विद्यार्थी उनके पास आए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजा है, राजा जैसे रहता है, सब कपड़े वस्त्र अलंकार आदि सब इससे संपूर्ण, ऐसा ये राजा जनक विदेही क्यों कहलाया जाता है और सब इनके चरण धूलि को अपने सर से क्यों लगाते। तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तुम उसे सब मांग लो, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बहुत शंका करते हो, ऐसे शंके वाले आदमी को आत्म साक्षात्कार देना कठिन। तो उन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली, उनके ऊपर एक बार तलवार अटका दी रात भर की, किसी वक्त भी गिर जाए और तुम सो, और हर तरह की चीजों से उनकी इतनी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इसी प्रकार हमने जाना कि बुद्ध को, महावीर आदि सब ने आत्म साक्षात्कार की खोज की और प्राप्त किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब लोग बाहर भटके हुए हैं और गलत चीजों में ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इन चक्रों में देवता हैं, उनको आप जाने। उनकी बात जब चल पड़ी तो लोग बस कर्मकांड करने लगे। तो इन दोनों ने ही ये बात शुरू की कि भाई इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं, अगर शहद को पाना है तो शहद ही की बात करो, फूलों की बात से तो गड़बड़ हो रही। तो उन्होंने कहा कि उस बात को अभी थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, सिर्फ ये कहें कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और जब उन्होंने बहुत इस पर कहा तो लोग कहने लगे कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इनका अनिश्वरवाद था। किंतु उस वक्त ये समय ऐसा था कि उन्हें ये बात करनी पड़ी, पर बात बात ही रह जाती, चाहे आप बात फूलों की करें या शहद की करें। जब तक आप स्वयं मधुकर नहीं हो जाते तब तक आप शहद तक नहीं पहुंच पाते, ये असलियत है।
इसलिए आप सबको उस सूक्ष्म दशा में जाना चाहिए जहां पर आप इसका एहसास कर सकते हैं, इसको आप प्रतीत कर सकते हैं कि चारों तरफ आपके जो परम चैतन्य की दुनिया है और ये परम चैतन्य परमात्मा का प्यार चारों तरफ छाया हुआ अणु रेणु हर जगह। और ये प्यार हमें इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि हम अंधेरे के जाल में फंसे हुए हैं या अज्ञान का जाल हमारे अंदर इस तरह से घुस पड़ा है, एक अंधा कुछ देख नहीं सकता। उसी प्रकार हम भी जो सत्य है उसे जान नहीं पाते। अभी तक जो कुछ भी सत्य के बारे में जाना है वो हमारा रिलेटिव सत्य है, माने केवल सत्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम उस दशा में नहीं पहुंचे जिसे हम कह सकते हैं कि यही एक सत्य है और सब लोग मिलकर कहेंगे कि यही एक सत्य है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है जिसे हम कह सकते हैं कि एक कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये त्रिकोणाकार अस्थि में सेक्रम में बैसी हुई 3.5 कुंडलों में है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं, आप चाहे से कुछ भी कह दें। और ये परमात्मा का जो विशेष रूप माने उनकी जो शुद्ध इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है उसके प्रतीक स्वरूप माने आदिशक्ति प्रतीक स्वरूप प्रतिबिंबित है, माने यहाँ पर जो आपको ये शक्ति दिखाई देती है ये आपके अंदर भी प्रतिबिंबित है। दूसरे हमारे हृदय में बसे हुए आत्मा जो है वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब तो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है और त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी बसी है ये उनकी इच्छा उसका प्रतिबिंब है। जब ये इच्छा हमारे अंदर से 6 चक्रों को भेजती हुई ब्रह्मरंध्र को भेजती है, माने हमारे सर में जो तालु भाग है उस तालु भाग को जब ये भेजती है तब ये कह सकते हैं कि इस शक्ति का मिलन आत्मा तत्व से होता है। हालांकि आत्मा आपके हृदय में होता है किंतु उसका पीठ उसकी जगह तालु पर होती है, इसलिए जिस वक्त कुंडलिनी आपकी उठ करके इस ब्रह्मरंध्र को भेजती है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान में एक तो आत्म का ज्ञान भी होता है, माने आप अपने बारे में जानते हैं कि आप में क्या तकलीफें हैं, आप में क्या दोष है। जैसे कि ईसा ने कहा है कि आपका एक आखिरी न्याय होने वाला है, लास्ट जजमेंट, वो समय आज आया हुआ। इसी को भी आप कह सकते हैं जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि कियामा माने आपका रिजरेक्शन, वो भी समय यही। और इस समय आप स्वयं ही अपने को देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या खराबी है। अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है तो आपको मारपीट डालेगा, लेकिन अगर आप उस आदमी की कुंडलिनी जागृत कर दें और उसको वो प्राप्त कर लें तो खुद ही आके मुझसे कहेगा कि माँ मेरा आज्ञा बड़ा पकड़ा है, इसे जरा ठीक कर दीजिए, माने मेरा अहंकार जो है बला बढ़ गया है, इसे आप कम करें। वो इसी तरह से बात करेगा। यही बात ईसा मसीह के 12 शिष्यों ने कहा था जब उनके अंदर वो कहते हैं कि कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट उन्हें आने लगते। होली घोस्ट माने ही कुंडलिनी है। तो वो जब बातें करने लग गए तो वो चक्रों की बात करने लग गए, तो उन चक्रों की बात को सुनकर के दूसरों ने सोचा कि ये क्या पागल हो गए, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आती। चक्रों की भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आप इसे ज्ञात हो, और उस ज्ञान के लिए आपको पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है और इस योग को आपको पूरी तरह से ऐसा जमा लेना है कि फिर ये न हले, इतने स्थिति में चले जाएं जहां ये हिल न पाए, तब कहना चाहिए
कि आपने आत्म साक्षात्कार को पूर्णत्व से पा लिया। कल भी बहुत से लोग जैसे कि पार हो गए, कुंडलिनी आ गई, तो बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है, उससे बिल्कुल एक जैसे बाल के बराबर उसकी शक्ति ऊपर उठती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिससे ये कुंडलिनी बनी है। उसका एक तंतु मात्र इस ब्रह्म नाड़ी से पहले उठता है और ब्रह्मरंध्र को भेदने के बाद वो धीरे 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 सब चीज को और भी ढीला करता है, रिलैक्स करता है, उससे आपके चक्र भी खुलते हैं और कुंडलिनी के सूत्र ऊपर चढ़ते हैं। ये वास्तविकता है। किसी किसी में जो कि बहुत आदमी संतुलन में है, बैलेंस है, एकदम से कुंडलिनी काफी उसके तंतु ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। जो सत्य है और जो वास्तविक है वो आपको सुन लेना चाहिए और आप माने या न माने उसकी आपको प्रचिति कम से कम देखनी चाहिए। शुरुआत में सहयोग के शुरुआत में बड़ी अड़चनें आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं है। कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में उस जमाने में आए और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें उनके नाम पूरे नाम सहित बताया तो सब घबरा गए कि वो मुझे कोई न कोई आके बंदूक से मार देगा। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और ना ही किसी ने मेरे ऊपर केस की इस मामले में। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक हैं और वो घबराते हैं इस बात से कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये एक जीवंत क्रिया है और जैसे एक बीज आप पृथ्वी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलिनी जागृत होकर के योग को प्राप्त करती है और ये सहज योग ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ये असली स्वतंत्रता नहीं, ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहां से होता। ये अंग्रेजों के जाने से सहयोग तो ठीक चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने अपने स्व का तंत्र जाना नहीं। तो इस स्वधर्म को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बड़े बड़े संतों ने इस पर कहा हुआ है। शिवाजी महाराज जो कि वास्तविक में एक बड़े भारी संत ही थे, क्योंकि वो भी एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, उन्होंने कहा कि स्वधर्म जागवाओ। इससे आगे आपको क्या करना है, स्वधर्म का जागरण। तो स्वधर्म के जागरण के अलावा करने के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग करने क्या लग गए कि उस चीज को छोड़ करके दूसरी ही चीजें करने लगे। हर धर्म में ये लिखा है कि आप उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने ये कहा है कि आप इधर उधर लड़ाई झगड़ा करो, इसकी गर्दन काटो उसकी गर्दन काटो, या बड़े बड़े प्रवचन करो, लेक्चर दो, इस तरह कोई भी धर्म में नहीं लिखा। उल्टे तो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से छुट्टी पाओ, ये शब्द जालम है सारा। इसलिए जो बैठ करके आपको बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं और बड़े बड़े कथानक सुनाते हैं, इससे हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं हो सकता। उल्टे जैसे कि कबीर दास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, वो हो जाता है। दुनिया भर की बेकार की चीजें खोपड़ी में भर जाने से वहां का जो सत्व है वही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा है वो सब बेकार ही है, पर उसका चयन, उसको जानना कि कौन सी चीज पढ़नी कौन सी चीज नहीं पढ़नी। विलायत में तो मैं देखती हूँ जहां जाती हूँ कि वहां तो जैसे गुरु शॉपिंग होता है। कहेंगे देखो इस गुरु से आप मिले हैं क्या, पार्टीज में हम तो वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं। वो तो है महंगाड़ा पर है अच्छा, माने क्या चीज है भगवान जाने। कोई महंगाड़ा होगा
कोई जरा सस्ता होएगा, गुरु के यही वहां पे वर्णन होते कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता है। क्या गुरु को भी अगर आप खरीद लें तो वो आपका गुरु कैसे होगा? जो अगर आप गुरु को खरीदना जानते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज ऐसी रही नहीं गई कि जो कोई महान हो, विशाल हो, आपसे ऊंची हो सकती। पर जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं तब आप स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। मैं आज गुरु तत्व के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल नाभि चक्र के बारे में कहा था, उसके चारों तरफ हमारे गुरु तत्व और स्वादिष्ठान चक्र जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वो जैसे कि नाभि चक्र में से निकल करके उसकी एक दंती चारों तरफ घूमती है और इस जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको प्लावित करती है। ये स्वादिष्ठान चक्र के बारे में मैंने आपसे कल बताया था कि दिल्ली वाले लोगों का सबसे ज्यादा स्वादिष्ठान चक्र पकड़ता है और इसी वजह से उनके लिवर और उनको लिवर की खराबी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है और उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाता है और इस तरह के नानाविध प्रकार होकर के अंत में कभी कभी ये सब चीज छूट भी गई तो हार्ट अटैक आ जाता है। ये व्यवस्था ऐसी होती है कि मनुष्य को पहले कुछ न कुछ परमात्मा चाहते इतला दें कि भाई तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अब जरा कुछ कम कर, पर मनुष्य उसकी नोटिस नहीं लेता है। सरकारी नोटिस ले आए तो बहुत जल्दी सुन लेता है, पर शरीर की नोटिस को नहीं सुनता है कि मेरा शरीर अब नोटिस दे रहा है। क्योंकि अतिकर्मी आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है वो इस चक्र को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अपने ब्रेन का जो ग्रे सेल है उसमें बदलने के लिए कि बाकी सब चीजें उसकी जो है वो दूषित रह जाती है। और इसलिए जितने भी लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है और हर समय सोचते रहते हैं, उनकी ये सारी बीमारियां हो जाती है। ये मैंने आपसे कल सब बताया था। आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं कि भव सागर है। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां हो जाती है। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छूते। पर हम लोग की आदत है तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते थे। हिंदुस्तान में खासकर पता हुआ कि पहला वाला अभी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया है, तीसरा वाला रुपया पैसा लूट करके भागा है। हमारे पास तो यही अंदाज नहीं रहता कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखे, जो आदमी आपसे रुपये पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल देंगे। आपको एक भी ऐसा बिरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा, तो क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को, वो तो आपके नोच खसोट में लगे हुए। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनका इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी वैसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकता। जिस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा है? एक और मुझे पता है, गुरु महाराज उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी हो, उनका नाम भी अजीब सा है, वो पूना में थे, वो मैं कहती हूँ कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है, क्योंकि सारे ब्राह्मण उनके शिष्य। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते हैं। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय तरुणोपाय गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहने भी कौन से शास्त्र में लिखा है ये? कहले हमारे गुरुजी कहते थे। मैंने कहा अच्छा, आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े? क्या बात है कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं, ये आपने कहां से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किया है कि सारे लोग जो है उन पे एपिलेप्सी की बीमारी आ गई। तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए, उनकी तो बात दूसरी हुई। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग
गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है तब वो असल है, वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात है। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप कैसा हुआ, तुम्हारे माँ कैसा हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़े कहते हैं, ये लोग मन की बात बता सकते हैं। एक तरह के ये भी पिशाच विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी तो उसमें क्या विशेष मिल गया, उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया या आपके अंदर आनंद आया या उससे कोई आपको सुख मिला है? आपको खुद सोचना चाहिए कि इससे कौन सा सुख मिला है। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके कि घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए इनके शिष्य कैसे, उनकी आदतें कैसी हैं। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे भाई फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का अगर आप धंधों से नहीं बचते, और डबली धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो ये बाबा की अंगूठी का फायदा क्या। कहले इससे एक फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप। तो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना कर, साधना करें, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता, तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है। इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट्स गुरु तत्व खराब होने से होते। कम से कम जिन कैंसर को मैंने ठीक किया है उसमें से कम 80% लोग गुरु के ही मातहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विचक्राफ्ट वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा है, वही लोग कैंसर को पाते। और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है, अगर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक हो सकता। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात है। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहां पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहां है, वो पकड़ जाए। और जब ये पकड़ जाता है तो समय देना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत हो। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या नहीं डॉक्टर हो बहुत आसानी समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं, पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है वो पैरासिंपथेटिक से आता है, वो बीचों बीच। सो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है बीच, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे कि ये ऐसी आपकी अभी इसको कहते वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पाले। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है,
कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है वल्नरेबल। पर फिर लेफ्ट साइड से, यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से जब से यह सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है उसको। डॉक्टर लोग प्रोटीन 53 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी है, लोगों हर गांव में जाओ तो वहां ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंडे दोरे तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे आप रटते बैठे रहिए, इसको रटने से विशुद्धि चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है, फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे समझ लीजिए आपको विशुद्धि चक्र का दिया या नाभि का मंत्र दे दिया समझ लीजिए, और आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दे दिया किसी, शिव तो हृदय में रहते लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे, तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब है तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दें तो पुलिस आपको पकड़ लेती है, ऐसे ही शिव स्वयं ही नाराज हो जाते हैं आपसे, क्या वो आपकी जेब में बैठे हर समय उनको परेशान करते रहते हो, तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। उसी तरह गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है गुरु तत्व, उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं वो करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि इनके पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं, हाँ, आप दत्तात्रेय को मानते हैं, हाँ, आपको पेट की तकलीफ है, हाँ। जिस चीज पे आप इस तरह से लग जाते हैं उसी की आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं, हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से आपका राइट हार्ट पकड़ जाता है, श्री राम और सीता हनुमान जी किसी का भी नाम लेने से राइट हार्ट पकड़ जाता है और उसकी वजह से आपको आस्थमा हो जाए, आस्थमा हो ही जाएगा, ये मैं आपको बता, आप छूट नहीं सकते क्योंकि आपका राइट हार्ट पकड़ गया। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रखते रहते हैं, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है वो है लेफ्ट विशुद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट विशुद्धि भी पकड़ती है। का साधारण एक उदाहरण ये बताया कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हुआ और आप फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है, उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहें तो आप इंसान है, इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं। फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब, और रविवार को सारा पैसा लाके मुझे दे दो, खूब अच्छे से उपास करो। भाई ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी अगर मां से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया सारा घर खराब हो जाता, ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपवास है, और उसमें भी उल्टापना बहुत, यानी अंधश्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का उसी दिन उपवास करो, माने उस दिन कोई सूतक है क्या, उस दिन कोई मर गया, आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते हो, इसका कोई कारण होना चाहिए ना, ये किसने पढ़ाया है पता नहीं। एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता कि एक तो ऐसे ही अज्ञान और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां हो जाती। एक महाशय थे वो सहयोगी थे, हमारे पास आए तो हमारा प्रसाद तो चना है तो उनको चना दिया गया,
तो इधर उधर देखने लग गए। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है? कहले आज संकष्टी है तो आज हम चना नहीं खाएंगे, आज उपवास है। अरे मैंने कहा आप इतने बड़े गणपति भक्त हैं, आज वो संकष्टी जो कि उनका जन्म दिवस माना जाता है, उस दिन आप कुछ खाएंगे नहीं? ये किससे बताया आपसे? नहीं कल ऐसे ही हम, तो मैंने कहा आप आए किस सिलसिले में? कहने हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ। मैंने कहा होगी ही, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड तो श्री गणेश ही आपके संभालते हैं, तो आपको और क्या होने वाला है? प्रोस्टेट ग्लैंड तो हो ही गए। पर मैंने कहा कि अब आप चना खाइए, आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने चना खाया और मैंने कहा कहो मैंने उपवास छोड़ दिया, गणेश जी मुझे क्षमा कर दो, अब आप जिस दिन पैदा होंगे उस दिन मैं मोदक खाऊंगा। वापस गए, प्रोस्टेटी गर्भ ठीक हो गया। एक छोटी छोटी बातों में हमने गलतियां करी, बड़ी छोटी छोटी बातों में। फिर हमारे ये दर्द होता है, कभी वो तकलीफ होती है, ये सब छोटी छोटी बातों में हम गलती करते गए। जिसने जो कहा वो कर, हम लोग इस कदर निंदे लोग हैं, इस कदर हमारे अंदर अब भी गुलामी का इतना बीज है कि कोई कुछ भी कह दे वो करने लगते। कहने लगे कि साहब आज अब हमने हरा धनिया खाना छोड़ दिया। हमने कहा क्यों भाई हरा धनिया क्यों? क्योंकि हमारी जीजी नहीं खाती है तो हमने सोचा हम भी नहीं खाए। हमने कहा भाई वो नहीं खाती, वो कौन अकल वाली जो आप ही अकल का काम करें, आपको छोड़ना है तो कद्दू वद्दू छोड़ दो, पर ये हरा धनिया क्यों छोड़ दे, सारा जायका खाने का चला जाए। इस तरह के पागलपन की हमारे अंदर आहार और इस तरह के विचार हमारे अंदर बहुत सारे भरे हैं। नहीं खाए, रोजा रखेंगे, 40 दिन का रोजा रखेंगे और पूरे समय तो खाने पीने की बात सोचते रहे। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने से, उपवास करने से? एक पर्यवेक्षण है, तरह तरह की चीजें हमारे अंदर इससे आ गई। धर्म का तत्व किसी भी धर्म में मुझे लगता है कि जैसे एकदम पूरी तरह से ढक सा है। इतनी बाह्य की चीजें हैं, इतनी गलत चीजें इसके अंदर आ गई कि लोग अब कहने लग गए या फिर बच्चे कहते हैं ये क्या धर्म मर्म है, सब झूठ। झूठ नहीं है, धर्म है। हमारे अंदर जो 10 धर्म है ये हमारे भव सागर में है और ये 10 धर्म मनुष्य के हैं। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, ऐसे हमारी 10 वैलेंसीज होती है। और जब ये खराब हो जाती है तभी हम मनुष्यता से गिरते जाते हैं और हमारा शरीर भी फिर उससे खराब होते जाता है। अब जैसे कि नानक साहब ने कहा है, उनसे पहले मोहम्मद साहब ने कहा क्या आप शराब मत पियो। उस जमाने में आप जानते हैं कि सिगरेट विगरेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई शराब मत पियो, कोई मादक चीज मत पियो। उनके बाद वही नानक साहब बन के आए, उन्होंने कहा नहीं बाबा शराब भी नहीं पियो और सिगरेट भी मत पियो। अब कहेंगे कि हाँ पर उन्होंने तो ड्रग लेने के लिए मना नहीं किया था, तो अब ड्रग लेने में क्या हर्ज है? माने ये कि हम ढूंढते रहते हैं किस तरह से अपना सर्वनाश करें। अब उस वक्त में ड्रग थे कहां, अब मैं कहूं कि ड्रग मत पियो समझ लीजिए, तो आगे जाकर आप कहेंगे कि माताजी ने सिर्फ ड्रग को मना किया था, बाकी तो मना ही नहीं किया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कोई भी मादक चीज लेने से वो आपके चेतना पे असर करती है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। ये लोग जो हमें बता गए वो हमारे भले के लिए और हमारे संतुलन के लिए। अगर हमारे अंदर संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी कैसे जगेगी? जब बीच में ही रुकावट हो जाएगी तो कुंडलिनी कैसे जग सकती है और वो कैसे अंदर जा सकती? तो उन्होंने कहा आप संतुलन में रहो। अब धर्म के कर्म कांड भी तो हजारों है, वो भी इतने व्यर्थ और इतने बेकार है कि कुछ पूछे नहीं। कोई मर गया तो, कोई पैदा हो गया तो, किसी की शादी हो गई तो, दुनिया भर के कर्म कांडों में सबने लपेट लिया और अगर उसमें मेरे तो उस किसी का अर्थ ही लगता नहीं। कोई अर्थपूर्ण चीज हो तो उसे करना चाहिए, निरर्थक कुछ न कुछ क्योंकि हम लोग करते हैं उसी ढंग से आज चलना चाहिए या करना चाहिए, ये गलत बात। फिर उसके ऊपर लोग निकलते हैं बड़े सुधारक, वो भी अंधे, वो क्या सुधारना करेंगे, वो अपनी चीज निकाल लेते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ये गलतियां हैं तो आर्य धर्म, आर्य समाज निकला, आर्य समाज के लोगों से तो बाप रे, उनसे आप बात करते करते पागल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बात करना छोड़ के समुद्र में कूद पड़े, इतने तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं आपसे, इतने आर्ग्यूमेंट करेंगे कि आप घबरा जाएंगे। वो प्रकाश है, वो फलाना, अरे भाई कुछ अंदर तो हो, बाहर ही बाहर आप बोले जा रहे। इस तरह की चीजें हम रोजमर्रा अपने जीवन में देखते हैं। ईसाई धर्म में भी इतनी गलतियां और इतनी गड़बड़ है कि जिसकी कोई हद के जब देखते हैं तो लगता है बाप रे ईसा मसीह ने क्या कहा और क्या हो गया, कैसे लोग ये आ गए हैं ईसा के नाम पर, इनका कोई संबंध ही नहीं बनता है ईसा से।
इसी प्रकार मुसलमानों का हाल है, इसी प्रकार आप देखो तो सिखों का हाल है, इसी प्रकार महावीर के फॉलोअर्स का है और उसी प्रकार बुद्ध के फॉलोअर्स का है। सब एक से एक बढ़ के अज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अंधेरे में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। इस अंधेरे को हटाने के लिए मैं कहती हूँ आप पहले जागृति ले लो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो, फिर जानो कि तुम्हें क्या बता गए और तुमने क्या पाया। मैं तो कहती हूँ सभी बहुत ऊंचे लोग थे लेकिन उनका तत्व जो है वही छूट गया और इतना विद्रूप लूप होकर के हर आदमी बदनाम, हर धर्म बदनाम है। अगर आपको ईसाइयों के बारे पूछना है तो आप जाके जूस लोगों से पूछे तो जूस बताएंगे कि ईसाई कितने अधर्मी है, और जूस के बारे में पूछना हो तो आप मुसलमानों से पूछ लीजिए तो बताएंगे देखिए कितने अधर्मी है, और मुसलमानों के बारे में पूछना हो तो हिंदुओं से पूछ लिए बताएंगे महा अधर्मी, और हिंदुओं के बारे में पूछना हो तो और लोग जो है बुद्ध धर्मी वो बताएंगे कि ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। जैन लोग तो सोचते हैं कि सभी लोग बिल्कुल बेकार हैं, हम ही एक विशेष रूप के हैं क्योंकि हम मच्छर भी नहीं मारते। अब ये क्या मैं मच्छर और मुर्गियों को रियलाइजेशन देने वाली हूं क्या? उनको बचा करके क्या करना है? अरे भाई इंसान जो है ये तो उत्क्रांति की चरम सीमा है, एपिटोम ऑफ इवोल्यूशन, यही तो न पाएगा ये। बाकी सब चीजों का इतना महत्व करने की क्या जरूरत है और उनके पीछे भागने की क्या जरूरत है कि साहब हम तो हैं कि हम मच्छर भी नहीं, हम खटमल भी नहीं मारते। क्या कहने आपके, आप बड़े बहादुर आदमी। इस प्रकार की धारणाएं हमारे समाज में इतने तरह से फैली हुई है और फिर लोग कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष है हम लोग। अरे भाई धर्म निरपेक्ष हो पर असली धर्म को क्यों ना जगाया जाए जो हमारे अंदर 10 तत्वों में बसा हुआ। एक बार कुंडलिनी के जागरण के बाद, एक सहयोगी बनने के बाद, ये 10 धर्म उसके अंदर जाग जाते। फिर वो चाहे तो शराब नहीं पी सकता, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, तो मैं कहूंगी आधे लोग उठ के चले जाएंगे, शराब मत पियो ऐसा मैं कभी नहीं कहती, अगर मैं कहूंगी तो आधे लोग उठ के चले जाए, पर फिर देख लेना आप पी नहीं सकते। उसके बाद में उसके जो चोरी करने की आदत वो चली जाएगी, उसके अंदर जो स्त्रियों के प्रति या पुरुषों के प्रति एक तरह की गलत धारणाएं वो चली जाएंगी। इस तरह से ये जो 10 हैं एक आनंद में मनुष्य आ जाएगा और एक समाधान में आ जाएगा और ये जो अपने अंदर 10 गुण है वो जागृत हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूं कि किसी गुरु के पास जाने के से पहले उनके शिष्यों को देखो, उनके शिष्य कैसे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसे ही गुरु बसे हैं जो बकवास करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये बोल वो बोल, ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं और कोई सच्चा गुरु है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं है तो ये सोचते कोई हो ही नहीं सकता, और उनको ही लोग बहुत मान करके इतनी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। जब असत्य होता है तो उसका सत्य भी होना ही, नहीं तो मनुष्य एकदम आज कहां से कहां पहुंच जाता और खत्म हो जाता। उस सत्य को मानने के लिए पहले अपने अंदर धर्म जागरणा होनी चाहिए और वो कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर हो जाते। धीरे धीरे कुंडलिनी अपना पूरा प्रकाश अपने धर्म स्थानों पर दे देती है और मनुष्य असल माने में धार्मिक हो जाता, नकली माने में नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ किस्सा है कि एक बार नामदेव एक कावड़ लेकर के और पानी लेकर के द्वारिका जा रहे थे और पूरे समय वहां से चल करके वहां तक पहुंचे, और अब मंदिर में चढ़ने की बात आई तो वहां देखा एक गधा प्यास से मर रहा है, तो उन्होंने अपने कावड़ का सारा पानी उसी को दे दिया। तो उनका क्या कर रहे हो तुम, तो भगवान को चढ़ाने आए थे। मैंने कहा कहना मैंने भगवान ही को चढ़ा, और वहीं से लौट पड़े। ये धर्म की जो सूक्ष्म भावना है प्रेम की और समझने की कि किसकी क्या जरूरतें हैं, किसको क्या देना चाहिए, ये सब हमारे अंदर धर्म जागृत होने पर ही आती है, बाहर के धर्मों से नहीं आने वाली। और बाहर के धर्मों में तो एक साधारण बात है कि कोई भी धर्म के आप हो हर पाप आप कर सकते हैं, कोई आप पे बंधन नहीं, पर सहयोगी नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके सब चैतन्य एकदम गायब हो जाएगा, हाथ से उसका आनंद ही छूट जाएगा।
वो कर ही नहीं सकता, गलत काम कर ही नहीं सकता, वो किसी को मर्डर कर नहीं सकता, नहीं वो किसी को दुख दे सकता है। हाँ, वो आपसे ये जरूर स्पष्ट कहेगा कि आप में तकलीफ है, इसे ठीक कर लीजिए, उसे आप चाहे दुख समझे चाहे कुछ समझे, पर ये तो कोई बताने वाला चाहिए। आज सहयोग इतने जोर से दुनिया में फैला है, 30 देशों में ये सहयोग चल पड़ा। आज भारतवर्ष में भी मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में सहयोग बहुत जोर से फैला है, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी और आपके दिल्ली में इधर भी सब दूर सहयोग बहुत जोरों में फैल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा फैलना ये सहयोग का कर्तव्य नहीं, ठोस लोगों को तैयार करना ही सहयोग का कर्तव्य। इसलिए बहुत से लोग हैं कि वो हाँ हाँ माता जी आपके घर में रखे हैं फोटो, हम रोज ध्यान करते हैं, इससे नहीं होना। ये एक समष्टि, एक कलेक्टिव का कार्य है, एक शरीर है, उस शरीर के आप अंग प्रत्यंग है और सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ नहीं मिलकर के करेंगे, आपको उसका लाभ बहुत कम रहेगा, और थोड़े दिन बाद आप ही आकर कहेंगे कि हाँ कैंसर तो ठीक हो गया लेकिन अब किडनी की बीमारी हो गई। ये तो शरीर की तो विशेष बात है नहीं, लेकिन जो आत्मा का आनंद मिलता है, कल मैं आत्मा के बारे में आपको बताऊं। नाभि चक्र के बाद में आप देखें कि ऊपर में हृदय चक्र है, इसे कि हम अनहद चक्र भी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पंदन होता है ऊर्जा का वो अनहत है, माने एक ही सुनाई देता है। लेकिन ये चक्र जो है ये हमारे शरीर में जो स्टर्नम हड्डी है इसके नीचे में है, और ये साक्षात जगदम्बा का चक्र है जहाँ माँ स्वरूप आप है। इस स्टर्नम की हड्डी में डॉक्टर लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज बनती हैं 12 साल की उम्र तक, जो कि बाद में सारे शरीर में फैल जाती हैं, और जो कोई बीमारी आपके ऊपर आती है या कोई तकलीफ होती है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ती है। ये वास्तव में सहजों के हिसाब से गण है जो कि माँ चारे शरीर में फैला देती है। पर जब भी कभी मनुष्य को भय लगता है या उसको कोई मानसिक तकलीफ हो जाती है या कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, तब ये चक्र जो है ये उसका संदेशा स्टर्नम को दे देता है, और यहाँ स्टर्नम हिलने लग जाता है, और उससे ही सारा संदेश इन एंटीबॉडीज को चला जाता है और वो सुसज्ज हो जाते हैं।